दोस्तों हर रोज सैकड़ों मौत हार्ट फेल यानी हार्ट अटैक के कारण से होती हैं। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का मानना है दिल से जुड़े रोगों के मामले में खाने पीने का अहम रोल माना जाता है अगर हम हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं तो दिल से जुड़े रोगों के जोखिम को कम कर सकते हैं देखा जाए तो मौजूदा समय में दिल से जुड़े रोगों का खतरा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे और युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं डब्ल्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौत दिल के रोगों की वजह से होती है दिल से जुड़े रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है दिल से जुड़े रोगों का जोखिम कम करने के लिए हमें कारण जोखिम और बचाव के तरीकों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन पाँच चीजों के बारे में जो हमारे दिल के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं जिन्हें खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है और ये हार्ट अटैक तक का, का कारण बन सकते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे सबसे पहले फास्ट फूड से बचें दिल के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक फास्ट फूड को माना जाता है क्योंकि फास्ट फूड में अधिक कैलोरी और अधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है जो दिल के लिए नुकसानदायक होते हैं इसीलिए रिफाइंड प्रोसेस्ड और फास्ट फूड को कम खाएं इसकी जगह कम कैलोरी युक्त पोषक तत्वों से भरपूर जैसे फलों और सब्जियों का सेवन अधिक करें दूसरा अनहेल्दी फैट्स की मात्रा को नियंत्रित करें या बार बार एक ही तेल को इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि सेचूरेटेड फैट की मात्रा हर दिन कुल cool कैलोरी खुराक से कुल cool कैलोरी खुराक के 10 परसेंट ऐसी भी कम होनी चाहिए क्योंकि अगर ब्लड कोलेस्ट्रोल बढ़ जाए तो आर्टरीज में प्लाक जमा होने लगता है जिसे एथेरो भी कहते हैं इसके कारण सही हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है नंबर तीन कुकीज केक आदि से बचे कुकीज केक फ्रोस्ट स्ट्रिंग क्रेकर और चिप्स आदि का फूड लेबल जरूर से चेक करना चाहिए क्योंकि इनमें पोषण गुण कम होने के साथ साथ ट्रांस फैट भी मिले होते हैं जो हार्ट रोगों का कारण बनते हैं नंबर चार एक ही तरह का तेल न खाए आपको चाहिए बार बार बदल कर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें कभी सनफ्लावर तो कभी फ्लावर सोयाबीन ओलिव या फिर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल इस्तेमाल करें मस्टर्ड ऑयल में यह खूबी होती है कि सरसों का तेल 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक पर भी स्थिर रहे है जो भी तेल इस्तेमाल करें उसकी मात्रा भोजन में सीमित रखें क्योंकि सभी तरह के तेलों में कैलोरी की अधिक मात्रा होती है जो दिल के लिए नुकसानदायक होते हैं और नंबर पाँच नमक की मात्रा घटाएं ज्यादा मात्रा में नमक के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की आशंका बढ़ सकती है जो हार्ट रोगों का कारण बन सकता है नमक का सेवन कम करना सेहतमंद दिल के लिए बहुत जरूरी है एक स्टडी के अनुसार हर स्वस्थ इंसान को हर दिन तेईस मिलीग्राम से अधिक सोडियम का सेवन नहीं करना चाहिए तो दोस्तों अगर आप चाहिए हैं कि आपका दिल रोगों से मुक्त रहे तो इन पांच चीजों के सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें